देखिए कितने बड़ा बड़ा कटिंग है, जिसके नीचे अभी हम थोड़ा आराम करने के लिए चले रुके हुए हैं। ये देखो इसके उसके जो निकल रहा है उसको जग निकल रही है, जो इसको दाढ़ी बोलते हैं, बड़ की दाढ़ी हमारे घर से ही बोलते हैं, आपके घर क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, बड़ा पुराना हो जाता है ना, तो ये उसमें निकलती है और इसी में बड़ के पेड़ नहीं निकलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल RBTG ब्लॉग। और आज मैं आया हूं हमारे ब्रज मंडल के ऐतिहासिक गांव इंद्रोली के इतिहास की कुछ रोचक जानकारी लेकर। इस गांव का नाम इंद्रोली होने के पीछे जो कहानियां हैं वो बहुत रोचक हैं। इस गांव के बारे में मैंने भी कुछ कहानियां सुनी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम स्थानीय निवासियों से भी बात करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। भगवान कृष्ण से घबरा के यहाँ से इंद्रलोक से भागे थे, तो यहीं पे आकर उन्होंने शरण ली, तो इसीलिए इस गांव का नाम इंद्रोली पड़ गया इंद्र के नाम पे। पहले क्या नाम था? था। अच्छा, फिर अब इसको इंद्रोली रख दिया गया है। अच्छा, अच्छा। भगवान कृष्ण के जमाने में इंद्रकूप था ये। अच्छा, इंद्रा सखी जो कहते हैं कृष्ण की थी। हाँ, सखी थी जो जैसे कहते हैं हमारे बरसाने की राधा। हाँ, तो और बाकी ऊंचे गांव की कहते ललता सखी। अच्छा, ललता सखी ऊंचे गांव और इंद्रकूप के यहाँ की इंद्रा सखी। अच्छा, इंद्रा सखी थी यहाँ की। यहाँ का चौरासी में मुख धाम। अच्छा, तो चौरासी कोस की परिक्रमा तो शायद वहाँ से निकलती है, चौरासी कोस के ऊपर कर जाती है केदारनाथ बद्रीनाथ होती हुई। यहाँ से भीम से जो रोड गया है गिरदावली। अच्छा, गांव पड़ता है वहाँ पर, वो लग रहा है स्वागत बैनर बोर्ड लग रहा है, तो उधर से ऊपर कर आई है। यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े वो हैं। अच्छा, याद बद्री है, याद बद्रीनाथ जाके देखो कितना गजब का वो चल रहा है। हाँ, अभी तो परिक्रमा चल रही है, सावन का महीना है, तो चरस कोस की परिक्रमा चल रही है। जो काके में मलमास के माह में हुई है वो उधर से ऊपर कर होती हुई है, क्योंकि वो ब्रज में तो यहीं से निकलती है, हमारे गाँव से निकलती है परिक्रमा जो है, गोवर्धन से उठा लेता है। वो अपने नजदीक की बात है, जिसके नजदीक पड़ता है काके में अलीपुर जो गांव है, केदारनाथ से उठाता है, वो जिनके नजदीक जो ऊपर की साइड के होती हुई राजस्थान पड़ता है। अच्छा, जो कामा था बाद में कहने लगे ने आठ वृंदावन था। अच्छा, पहला वृंदावन कामा था, आदि वृंदावन पौराणिक है, काम्यवल कामवल पांच वनों में से एक वन है कामवल। अच्छा, पांच वन है, उनमें से ये है काम में काम पड़ गया कामा कामा धीरे धीरे। हाँ, वही बोलने का चार के हिसाब से जैसे काम वन का जैसे सरलता आती गई बोलने में, ऐसे दो नाम बदलने की। अच्छा, काम नहीं थी काम धेनु, उसी को चराने भगवान कृष्ण जी यहाँ पर चराने आते थे। अच्छा, जो भोजन वो भोजन थाली का जो मेला भी लगता है, भोजन थाली का मेला लगता है, ठाकुर जी बैठ के खाते थे वहाँ। अच्छा, पत्थर पैर से हाथ फेर के उन्होंने प्लेट और कटोरे बना रखे। अच्छा, वो अभी भी जो ग्वालिया लोग पहाड़ी पे पहाड़ी पे पहाड़ पे भगवान के चरण है, वहाँ पर चरण है, जो बंसी बजाते हुए पत्थर भी द्रवित हो चुका, पैर द्रव पत्थर पे छपे हुए उसको
चरण पहाड़ी कहते हैं। तो सौराष्ट्र लगे जो इलाके में जो भोजन थाली है वो कामा से थोड़ी टच है, तो वहाँ पर जो दोपहर का भोजन जो ग्वारिया लोग करते थे तो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गाय चरा करके दोपहर का भोजन वहीं पर चला पे बैठे थे। अच्छा, तो आज भी वहाँ पर थाली वो उसी प्राचीन काल की छपी हुई, न किसी कारीगर ने बनाई न किसी। अच्छा, वो पत्थर पे छपी हुई है ऐसी कैसी? पूरी गिलास पूरी कटोरी। और इसका चौरास खंड का इसका क्या बताते हैं? ये भूतकाल त्रेताकाल को उनके युग के हैं, तो ये एक रात में बनाए तो 4 बजे किसी ने चाकी उड़ दी, चाकी पीस की थी तो उनका काम वही खत्म हो गया। तो चार पत्थर की बन गई उसको उठाकर तो वही मिला चाकी। अच्छा, नहीं कितना भव्य बनता है ये तो गन दूरी रह गई थी वो आज भी उसका जो खंभे चौरा से उनको गिन नहीं सकते। मेन बात तो ये है आज उसको कहीं जॉइंट के लिए सीमेंट नहीं है, न चूना है ना उसका कुछ सीमेंट तो स्टैंड पे फेंक दिया ना, चूना भी नहीं है, मतलब चूना पत्थर ही है, केवल पत्थर का ही बना हुआ है। और तो थोड़ी देर पहले उसने कर दी है गवर्नमेंट ने कहा कि मैं जो ये बात है हमें ना जो बाकी ये सब चीजें महाभारत का ली लो। हाँ, ये बहुत पुरानी है, प्राचीन के बाद उसको देख रेख में चले जाए। अच्छा, पुरातन में रहता है कोई? और रहता है कोई नहीं चौकीदार रहता है, बिल्कुल जो अपनी पुरानी इमारत है उनके भी गिनती होती है। अच्छा, तो उसमें भी पूरा जाएंगे या मैं जा सकूंगा अपने घर में पूरे बैठ गए क्या? वो 84 बैठे तो उनकी जो बना बैठे ना उनकी रिप्लेसमेंट करिए जो वो इस हिसाब से रेगुलर लगातार गिन नहीं सके हमने, वो मतलब कोई सीरियल में लगे हुए कहीं 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 मतलब कोई सीरियल वाइज उनको वो नहीं कुछ। हाँ, यहाँ पे केदारनाथ में जो 84 में आपको इस तरह के ऐसी गुफा है जिसमें आपको नोहर कर जाना पड़ेगा। अच्छा, शिवलिंग तक पहुँचेगा। अच्छा, तो कितना ही तगड़ा आदमी हो देखने में आपको ऐसी लगेगी अखेर इसमें कैसे घुसपा होगा, और कितने बड़ा आकार का आदमी हो पहाड़ी है क्या उसमें पर आपको सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, करीब 10 आदमी का परेशान हो जाता है बहुत ऊंची ऊंचाई पे। अच्छा, रेलिंग लगी हुई है तब वो अंदर गुफा में बाकी जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती है उन शिलाओं के बीच में तो इस तरीके का हुआ है जिसमें का नौ तब से लिंक। अच्छा, तो केदारनाथ ठीक, और वहाँ पे अलीपुर में उस पर जाओगे तुम वहाँ बद्रीनाथ पे लक्ष्मण झूला ले। अच्छा, बाकायदा वो पहाड़ के दोनों तरफ से पत्थर का झूला बनाया पत्थर का, इधर के पहाड़ से उधर के पहाड़ से दोनों। अच्छा, पहाड़ों से ज्यादा चलते हैं से? नहीं खाली देखने के लिए, देखने के लिए पुराने बहुत हो चुका है रिस्क है ना, ये तो ऐसा रिस्क है कि जान जोखिम में पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ी दोनों तरफ। अच्छा, कितनी दूर आ गए यहाँ से? आप यदि हेटे कामा जाओगे कामा से सीधा बलोन टूट गया है। अच्छा, रोड बलोन गांव पड़ता है वहाँ पर केदारनाथ है। अच्छा, केदारनाथ से 3-4 किलोमीटर बद्रीनाथ सीधे पर दीघा जाओगे। अच्छा, अच्छा बीक से निकल रहे हैं पहले ना, क्यों बीक ही जा रही है घर की साइड? से
पहला काम पड़ेगा गोदावरी, रेल लाइन पे कर दिया ना तो उससे पहला काम पड़ता है गोदावरी। गोदावरी पे चौरस को उसकी उधारी है चौड़ी हुई अच्छा टंकोली से आगे होगा ऊपर का है चलो चलो भाई चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। राम राम जी। तो भाई ने भी बहुत कुछ बताया भाई कामों के इतिहास के बारे में भी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर केदारनाथ बद्री अपनी हमारे गुरुपुर के मामले उसका भी देखते हैं बनाते हैं उसका। तो